हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या फिर आप बोल सकते हो फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी कि ये मान लीजिए स्टिग्मा है, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर क्या रहते हैं, ओवरी। स्टाइल के बाद में ओवरी, ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, राइट। तो हम लोगों ने स्टिग्मा, स्टाइल के बाद ओवरी के अंदर हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखी थी जिसको हमने नाम दिया था ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कशन करके, ओव्यूल के अंदर बहुत सारी कौन सी सेल्स थी, न्यू सेल्स, सेल्स थी। और इन न्यू सेलस सेल्स में से कोई एक सेल आगे डिफ्रेंशिएटेड होके आर्किस्पोरेंजियल सेल बना रही थी, और आर्किस्पोरेंजियल सेल से आगे डेवलपमेंट हो रहा था आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। और ये आगे किसके अंदर डेवलप हो रही थी, ये आगे प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी तरफ मूव करना था, स्पोरो जीनस सेल, ठीक है। और इस स्पोरोजीनस सेल्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये जो स्पोरोजीनस सेल्स है वो आगे डेवलप करती हैं, किसको डेवलप होती है, एमएमसी के अंदर, ठीक है। अब हमें पता है कि एमएमसी जो है वो एक मियोटिक सेल है, यानी कि डिप्लोइड सेल है, और कैसी सेल है, मियोसाइट सेल है, क्योंकि ये कौन सा डिविज़न करती है, ये डिविज़न करेगी मियोसिस, ठीक है। जब मियोसिस डिवीज़न करती है तो ये ओवरऑल चार क्या बनाती है, यहाँ पे मेगा स्पोर। इसने किसका फॉर्मेशन किया, मेगा स्पोर्स। कितने मेगा स्पोर, मियोसिस हुआ तो डेफिनेटली चार मेगा स्पोर्स बन के सामने आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे इन मेगा स्पोर्स के अंदर, तीन मेगा स्पोर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो गए थे, ठीक है। और ये एक, कोई एक इनमें से एक मेगा स्पोर जो आगे क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है वो किस तरीके से हो रही है, तो वो अगर हम देखें तो इस पूरे की पूरे फिनोमिना को हम यहाँ पे जिस तरीके से ये मियोसिस करके मेगा स्पोर बना रही है, तो इस फिनोमिना को हम मेगा गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि मेगा गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही क्या बने हैं, मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब जो मेगा स्पोर है ये एक क्या है, मेगा स्पोर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास कि जो मेगा स्पोर होता है ना उसको हम फर्स्ट सेल बोलते हैं, किसकी, ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की, फीमेल गैमेटोफाइट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा हमें पता है कि ये जो मेगा स्पोर आगे ग्रो करता है अपने साइज के अंदर, और ऑप्टेन करता है न्यूट्रिएंट कहाँ से, न्यू सेलस सेल्स में, यानी कि यहाँ पे ये एक मेगा स्पोर है, अगर हम देखें तो ये एक क्या है, मेगा स्पोर है। इस मेगा स्पोर को बाकी की जो न्यू सेलस सेल्स हैं, ये यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये कौन सी सेल्स है, न्यू सेलस सेल्स, ठीक है। ये सेल्स इसको क्या कर रही है, नरिशमेंट दे रही है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके जो ये मेगा स्पोर है, यानी कि किससे न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यू सेल्स, ठीक है। और न्यूट्रिशन लेने के बाद में मेगा स्पोर के साइज में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, साइज इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर आपको पता है इस मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में थ्री टाइम्स कौन सी डिवीजन हमने करवाई थी, माइटोसिस करवाया था, ठीक है। तीन बार माइटोसिस करने के बाद फिर इनके अंदर कौन सी फिनोमिना होती है, देन साइटोकाइनेसिस की फिनोमिना होती है। जब साइटोकाइनेसिस की फिनोमिना होती है तो हम मान के चले ये हमारा डायग्राम है किसका, ओव्यूल का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओव्यूल को फॉर्म किया, एंड ओव्यूल में ये हमारे पास आता है इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल्स के, ठीक है। यहाँ से हमने ये बना दिया इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक ओव्यूल का डायग्राम
डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता है ये जो मेगा स्पोर है वो आगे डिवाइड करता है, और डिवाइड करके इसके अंदर ओवरऑल हमारे पास जब तीन बार तो कैरियोकाइनेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन इन न्यूक्लियस, ठीक है। कितनी बार डिवीजन हुआ है, तीन बार माइटोसिस हुआ है, देन साइटोकाइनेसिस हुआ। तो इसका जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो एज ए फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में आता है, ठीक है। जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो उसके अंदर हमें टोटल कितनी सेल्स देखने को मिलती है, 7 तो इसके अंदर सेल होती है, और 8 इसमें क्या देखने को मिल रहे थे, न्यूक्लियस देखने को मिल रहे थे। ये चीज़ें हमने देखी भी थी। अब इनमें से किस तरीके से अरेंज्ड होती है, तो तीन सेल्स तो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है। एक इसके अंदर एग सेल है, दो इसके अंदर सिनर्जिड सेल्स थी, ठीक है। और एक हम देखें तो इसके अंदर एक पोलर सेल के फॉर्म में हमें 2 न्यूक्लियर स्टेज देखने मिलती है। तो ये जो डायग्राम आया है हमारे सामने, ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारे सामने टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है, और सेल्स कितनी है, 7 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि माइटोटिक डिवीजन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वो भी कितनी बार, 3 बार डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएटली 3 बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है और ओवरऑल ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब हम देखें इसको, जो एनसीईआरटी के डायग्राम जो था उसमें किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है वो देखें। तो एनसीईआरटी में आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, यहाँ पे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर हो रही है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो रीज़न है ये माइक्रोपाइलर रीज़न है ये एंड, और यहाँ पे जो रीज़न दिखाया गया है वो जस्ट इसके अपोजिट कौन सा रहता है, चैलेजल रीज़न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ओव्यूल को किस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रीजन यहाँ पे ऊपर की साइड में दिखाया हुआ है, यानी कि जो इसका जो डायग्राम हमारे सामने ड्रॉ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होता है ओव्यूल का, ठीक है। तो ये जो रीज़न हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा है, ओव्यूल का वो रीज़न है इस तरीके से। तो ये चैलेजल रीज़न बन गया और ये ओव्यूल इस तरीके से दिखाया गया आपको, ठीक है। तो ये जो रीज़न है वो कौन सा हो गया, माइक्रोपाइल, और ये जो रीज़न है वो कौन सा हो गया, चैलेजल। अब आप देखोगे चैलेजल रीज़न में कौन सा, जो ओवेरियन कैविटी होती है, ये कैविटी के अंदर कौन सी सेल्स है, न्यू सेल्स रहती है, और इसके अंदर एक हमें आगे बड़ी सी सेल्स देखने को मिल रही है, और वो सेल्स कौन सी है, MMC है, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स, क्लियरली आपको दिख रही है। ये एक मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो आगे डिवाइड करती है, अगर आप देखोगे तो पहले क्या बनाती है, मेगा स्पोर के डायड बनते हैं, न्यू सेल्स के अंदर ये डिवीजन रह रहा है, दो बने। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो से हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ओवरऑल 1, 2, 3 और ये 4 क्या बन रहे हैं, मेगा स्पोर ट्रायड बन रहे हैं, यानी कि टोटल कितने मेगा स्पोर बने हैं, 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे फिनोमिना कंप्लीट हो रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस फिनोमिना, राइट। गैमेटोजेनेसिस के अंदर इस तरीके से 4 गैमेट्स हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद में अब आपको पता है कि इनमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, कोई भी 3 आगे क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, ठीक है। अब एक हमारे सामने क्या बचा है, एक मान लो इस तरीके से हमारे सामने एक आ रहा है, ये मेगा स्पोर है, ठीक है। अब ये जो मेगा स्पोर है ये यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ, और अगर आप देखोगे तो 2 सेल्स बनती हैं और दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं, एक इधर की चर, एक अगर हम ये डायग्राम इसी फॉर्म में माने तो एक तो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ चला गया और ये एक चैलेजल रीजन की तरफ, फिर सेकेंड टाइम डिवीजन हुआ यहाँ पे माइटोटिक, फिर ये माइक्रोपाइल रीजन की तरफ, 2 चैलेजल रीजन के थर्ड, यहाँ पे फिर थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ तो टोटल 8 सेल बन चुके, 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो 4
ऊपर और चार नीचे, यानी कि चार माइक्रो और चार चेलेटल रीजन की तरफ। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट काइनोसिस साइटोकाइनेसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। तो फिर किस तरीके से आप देखोगे, तो माइक्रोपाइल रीजन है उसकी तरफ अगर आप देखते हो तो तीन तो ये एंटीपोडल सेल्स आपको क्लियरली दिख रही हैं, दो ये पोलर न्यूक्लियाई जो कि एज ए सेंट्रल सेल में दिख रहे हैं, एक एग है और दो सिनर्गिड सेल्स आपको यहाँ अपीयर हो रही है। ठीक है, अब ये तो अगर आप ओव्यूल को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो देन आता है। अगर आप ओव्यूल को इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो माइक्रोपाइल रीजन हम ये और जो चेलेजल रीजन है वो ये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनजीआरटी ने दोनों तरह से इस ओव्यूल को लिया है कि माइक्रोपाइल रीजन को किस तरीके से प्लेस करना है। अगर आप ओव्यूल को इस फॉर्म में डायग्राम में प्लेस करोगे तो आपके जो एंटीपोडल सेल है वो नीचे की तरफ आएंगी और सिनर्गेट्स अपर की तरफ। लेकिन अगर आप ओव्यूल इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं ओवरी के अंदर, तो आपके पास यहाँ देखोगे तो ये चेलेजल रीजन हो गया और ये माइक्रोपाइल रीजन हो चुका है। यहाँ पे ये तीन एंटीपोडल सेल्स हमें क्लियरली दिख रही है, उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई जो कि यहाँ पे एक बड़ी सी पोलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, दो अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन सारी की सारी सेल्स क्या है, हैप्लोइड है, लेकिन यहाँ पे एक एन अलग है और एक एन अलग है, तो ओवरऑल हम इसको 2N मानते हैं, लेकिन दो सेपरेटली एन है, दोनों आपस में फ्यूज नहीं है। ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम है, वो हैप्लोइड नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद में दो क्या है, सिनर्गिड सेल्स है, एक इधर सिनर्गिड है और इधर, और एक आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एग सेल्स आपको क्लियरली अपीयर होता है, ये क्या है, एक एग सेल। ठीक है, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज और दिखाई देती है, ये होती है माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, ये जो रीजन देखने को मिल रहा है, ये जो रीजन है ये कौन सा है, फिलिफॉर्म एपरेटस है, यानी कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ फिलिफॉर्म एपरेटस भी आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा हमारे सामने क्या रेडी हो चुका है, वो रेडी हो चुका है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हम, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझना होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इन डायग्राम्स के ऊपर, क्योंकि वो लेबलिंग में आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये डायग्राम अगर आपको देखे पूछ रहेंगे, यहाँ पे सिनर्गिड कौन सी है, एग सेल, सेंट्रल न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8 न्यूक्लियाई जो है वो हमें यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही देखने को मिलती है, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियस होते हैं उनके, उन सेल्स के पास हमें वेल डेवलप्ड सेल वॉल, यानी कि वेल डेवलप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो 3 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोपाइल रीजन की तरफ अगर हम देखें, यानी कि माइक्रोपाइल रीजन ये है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लियरली आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी किया गया है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है ना वो आपस के अंदर एक दूसरे से सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उनके चारों तरफ एक वेल डेवलप सेल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ किस तरीके से आ रही है, अगर आप ये डायग्राम देखोगे ये वाला, इसके अंदर आपको बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम ये माने इस तरीके से, ये हमारे सामने क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है, तो इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स तो हमें बहुत अच्छे से वेल डेवलप फॉर्म में देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे सेल वॉल जो है विद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जबकि यहाँ पे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे भी एक एग और दो सिनर्गिड सेल्स, ये भी वेल डेवलप है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियाइज देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे एक वेल डेवलप सेल्स क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। तो अगर आप देखो 3 न्यूक्लियस ये और 3 न्यूक्लियस ये, तो ये 6 न्यूक्लियस जो होते हैं, तो आउट ऑफ 8 टोटल तो कितने न्यूक्लियस है, 8, यानी कि तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी का है उसमें आपके लिखा है 6 of 8 nuclei are surrounded by, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, surrounded by new cell wall and organized into cells। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें से जो
तीन सेल्स है जो कि माइक्रोपाइल रीजन की तरफ होती हैं, इनमें से एक सेल बड़ी और दो सेल छोटी रहती हैं, यानी कि मैं यहाँ पे ये माइक्रोपाइल रीजन है, माइक्रोपाइल एंड या पोलर, तो यहाँ पे देखो कि एक सेल तो बड़ी बनाई है हमने और दो सेल्स क्या बनाई है, छोटी बनाई है, ठीक है। तो ये एक सेल तो इस तरीके से बड़ी हमारे सामने आ रही है, ठीक है, और दो सेल्स हमें यहाँ पे बहुत ही छोटी देखने को मिलती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे जो एक बड़ी सेल है तो वो तो कौन सी रहती है, एग सेल है, ठीक है, हैप्लोइड है, और जो छोटी सेल्स हैं दो, ठीक है, जो एक जैसी होती है, स्मॉलर सेल्स होती है, इन दोनों सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, ये सेल्स होती है, ये होती है सिनर्गिड सेल, ठीक है। तो अगर हम देखें कि माइक्रोपाइल जो रीजन रहता है, इस रीजन की तरफ एक क्या प्रेजेंट है, एग एपरेटस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए कि एग एपरेटस में टोटल कितनी सेल है, तो आप बोलोगे एक तो इसमें कौन सी सेल है, एग सेल है, ठीक है, और प्लस इसमें दो कौन सी होती है, सिनर्गिड सेल्स होती है, सिनर्गिड्स सेल्स, ठीक है, एक एग और दो सिनर्गिड सेल्स है। तो टोटल एग एपरेटस में हमें तीन सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है, विद ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड मतलब इनके पास वेल डेवलप्ड सेल है, तो मतलब सेल वॉल की क्लियरली हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो और तीन जो सेल्स थी, अगर हम देखें ये जो तीन सेल्स थी ये भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और इनको हम कौन से बोलते हैं, एंटी पोडल सेल्स, और जो कौन सी रीजन की तरफ होती है वो होती है चैलेजल रीजन। ये रीजन कौन सा होता है, चैलेजल, ठीक है। तो चैलेजल रीजन की तरफ भी हमारे पास तीन देखने को मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये जो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया, ये यहाँ पे एक वेल डेवलप सेल का जो है प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो नेचर दिखाई दे रहा है ये भी एक अलग एन है, ये भी एक अलग एन है, लेकिन अगर नेचर पूछा जाए यहाँ पे इस सेल का, तो यहाँ पे आपको नेचर जो है वो देखने को मिलता है, वो डिप्लोइड नेचर को देखने को मिलता है, डिप्लोइड यानी कि 2n, दो सेपरेट सेपरेट n है, ठीक है। तो एक ही नंबर में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो ओवरऑल आफ्टर थ्री माइटोसिस इन मेगास्पोर, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, राइट। दिस एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एक एम्ब्रियो सैक को हमें फॉर्मेशन करना है, यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात करें, एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक यानी कि या फिर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए हमें कितने, तीन तो माइटोसिस डिवीजन चाहिए थे, ठीक है, और आफ्टर थ्री माइटोसिस डिवीजन कितनी सेल्स बनती हैं, यहाँ पे सेवन तो सेल्ड है और एट न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो इस तरीके का यानी कि सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रियो सैक बनता है, तो इस एम्ब्रियो सैक को हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, जो कि आपका नीट का क्वेश्चन भी था। तो ये किस तरीके का बना है, पॉलीगोनम टाइप्स, ठीक है। पॉलीगोनम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कवर इस पॉलीगोनम टाइप जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक की यानी कि इस एम्ब्रियो सैक में सेवन सेल और एट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो इस पॉलीगोनम टाइप ऑफ जो एम्ब्रियो सैक था वो डिस्कवर्ड बाय, यानी पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, किसके अंदर किया था, एक पॉलीगोनम प्लांट में किया था, इन
पॉलीगोनम प्लांट, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक अगर पूछा जाए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक जो होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए इस एम्ब्रियो सेक की खास बात क्या है, तो आप बोल दो कि 7 सेल है एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या है, सबसे कॉमनली प्रेजेंट एम्ब्रियो सेक है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक पूछा जाए तो आपका आंसर क्या जाएगा, सीधी सी बात है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे सामने आता है कि जो स्ट्रक्चर देखें हम लोग यहाँ पे, इसके बाद जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर हमें एक सिंगल, अगर एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि ये जो इस टाइप का एम्ब्रियो सेक है इसका जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। ठीक है, एक मेगास्पोर, क्योंकि 4 में से 3 तो डिस्ट्रॉय हो गए थे बच्चों, तो सिर्फ एक मेगास्पोर से ही तो ये आगे डेवलप हुआ है। तो अगर एक मेगास्पोर से अगर कोई एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है तो ऐसे को हम किस नाम से जानते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज मोनो स्पोरिक एम्ब्रियो सेक। किस नाम से जानते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म पूछा जाए तो आंसर आएगा पॉलीगोनम टाइप। किसने डिस्कवर किया था, स्टार्स बर्गर ने डिस्कवर किया था। कितना स्ट्रक्चर में क्या होती है, 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका डेवलपमेंट एक सिंगल मेगास्पोर से होता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक भी बोला जाता है। इसके अलावा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें एक और स्पेसिफिक थिंग देखने को मिलती है। ये तो एक पूरा का पूरा हमारे सामने क्या है, एग एपरेटस हो गया। मैं सिर्फ अभी एक एग एपरेटस की रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक एग एपरेटस में हमारे पास टोटल कितनी सेल्स थी, 3 सेल्स थी, जिसमें एक एग है और 2 सिनर्गेट सेल्स है। अब क्या है कि इस एग एपरेटस के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ बना रही हूँ, ये है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये स्पेशल सेलुलर थिकिंग्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटर। ठीक है, तो जो एग एपरेटस है इसके पास एक चीज़ और देखने को मिल गई, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि अलग है। अब आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर आ गई। इस तरीके से फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, ये मान लो एग था और हमने ये 2 बना दी सिनर्गिड सेल्स। ठीक है, तो इन सिनर्गिड सेल्स के पास यहाँ पे इस तरीके से जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है फिंगर लाइक, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटर। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, मैंने अभी भी आपको पहली चीज़ क्लियर करी दी थी, ये एक स्पेशल सेलुलर थिकिंग्स हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट ये आता है कि दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ सिनर्गिड, दैट्स इंपॉर्टेंट चीज। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे बनती है, तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द
आउटर वॉल ऑफ सिनर्गिड. जो सिनर्गिड सेल्स होती है उनके आउटर सेल वॉल से इनका फॉर्मेशन होता है. अब आता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं फिलिपॉर्म एपरेटस, इनका फंक्शन क्या है. तो हम अगर इनके फंक्शन की बात करें, जो कि बोर्ड में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ फिलिपॉर्म एपरेटस, देन ये जो स्ट्रक्चर होती है, पहली हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर सिनर्गिड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द न्यू सेल्स. यानी कि इन स्ट्रक्चर फिलिपॉर्म एपरेटस की हेल्प से सिनर्गिड्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है फूड कहाँ से, न्यू सेल्स से. तो फर्स्ट फंक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स सिनर्गिड्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द कहाँ से, न्यू सेल्स से. ठीक है, दूसरी चीज एंड ट्रांसफर इट टू द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो दूसरा जो है एंड ट्रांसफर इट टू द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि इन स्ट्रक्चर की हेल्प से जो सिनर्गिड्स होती हैं वो न्यू सेल्स से क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, खाना एब्जॉर्ब कर रही हैं, और खाना एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देती हैं, एम्ब्रियो सैक में. ठीक है, दूसरा अगर हम फंक्शन देखें फिलिफॉर्म एपरेटस का, तो फिलिफॉर्म एपरेटस सीक्रेट करते हैं बच्चों सीक्रेट केमिकल्स. ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं किसको, अट्रैक्ट एंड गाइड द पोलन ट्यूब. ठीक है, और इस तरीके के मूवमेंट को अगर आपको याद हो तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट. तो अगर आपसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल्स, और ये केमिकल्स कौन रिलीज कर रहा होता है, फिलिपॉर्म एपरेटर ये केमिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है. अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है अभी तक पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं. तो नॉर्मली हम देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक तो एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है ये बेसिकली एक मेगा स्पोर से डेवलप हो रहा है या दो से या तीन से या चार से, सीधा सिंपल क्वेश्चन रहता है. तो ये एक मेगा स्पोर से ही डेवलप होता है, जो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक, जो पॉलीगोनम है उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि माइक्रोस्पोर मेगा यानी कि MMC मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है वो कौन सी रीजन में होती है, माइक्रोपाइल रीजन में होती है या फिर चैलेजल रीजन में होती है. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा. मैंने पहले भी बताया था कि जो मेगा स्पोर रीजन MMC होती है वो हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन में ही होती है. इस चीज़ को आप नोट करके भी लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ नीट एग्जामिनेशन. तो जो MMC की बात चल रही है, कौन सी MMC, मेगा स्पोर मदर सेल. ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होती है, इज सिचुएटेड एट माइक्रोपाइलर रीजन. ठीक है, तो MM से याद रखो M रीजन पे ये प्रेजेंट रहती है. ठीक है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल मेगा स्पोर किधर सिचुएटेड है, फंक्शनल मेगा स्पोर सिचुएटेड एट चैलेजल रीजन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना होगा. ठीक है, तो अगर फंक्शनल मेगा स्पोर की बात आ रही है
तो चैलेजल रीजन आ जाएगा, अगर MMC की बात हो रही है तो माइक्रोपाइलर रीजन आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो दी एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, वो दो होते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने अगर फ्लावर की बात करें हम लोग, फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से देखा, हमारे सामने क्या है, ये तो स्टैमन पोर्शन था, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, एंथर था और जो फिलामेंट था, और इस एंथर रीजन में हमें क्या देखने को मिल रहा था, पोलन सेक, ठीक है, और पोलन सेक से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बने थे, माइक्रो स्पोर, और इन माइक्रोस्पोर, अगर चार माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, क्योंकि डिवीजन में कौन सा दिखा रही हूँ, मियोसिस, तो कितने माइक्रोस्पोर, और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो आगे डेवलप हो रहे थे किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर, राइट। हमने क्या बना दिया था, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर ये आउटर लेयर थी इंटाइन लेयर, ठीक है, और ये अंदर एक्साइन लेयर, और ये थी इंटाइन, और इसके अंदर हमें दो बड़ी बड़ी सेल्स देखने को मिल रही थी अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे ये जो रीजन था वो कौन सा था, एक्साइन, और जो बड़ी सेल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और जो छोटी सेल्स होती है उसको हम क्या बोल रहे थे, जनरेटिव सेल, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये जो सेल होती है ये तो क्या बनाती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही थी, और ये आगे माइटोसिस डिवीजन करेगी, और क्या बनाती है, यहाँ पे ये जो सेल है वो टू सेल स्टेज में है, जो पोलन ग्रेन है वो कौन सी स्टेज में, टू सेल स्टेज में, और आगे टू क्या बनाती है, मेल गैमेट बनाएगी, ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो था सारा का सारा फ्लावर के अंदर कौन सा पोर्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, जिसके अंदर हमें पता है जनरेटिव सेल आगे क्या बनाने वाली है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली है। वहीं अगर हम देखें किसके अंदर, फीमेल पोर्शन की बात करें, तो फीमेल पोर्शन में हमारे पास कार्पेल, या फिर हम देखते हैं पिस्टल की बात करें, स्ट्रक्चर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर हमें पता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, और वो क्या था, ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली एग प्रेजेंट है, क्लियर। अब ये जो मेल गैमेट्स है इनको किन के साथ फ्यूज होना है, एग से, ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनने वाला है, वो फर्टिलाइजेशन होगा, उससे आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, राइट। लेकिन उससे पहले इस पोलन ग्रेन को हमें कहाँ पहुँचाना है, इस पोलन ग्रेन को इस एग तक पहुंचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको पहले कहाँ लैंड कराएं, हम इस पोलन ग्रेन को लैंड कराएं स्टिग्मा पे, ठीक है, इस स्टिग्मा पे हमें इस पोलन ग्रेन को लैंड कराना है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोला जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन यही है कि पोलिनेशन क्या है और किस तरीके से होता है, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलिनेशन, ताकि आगे की फिनोमिना को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर थी जहाँ पे MMC से मेगास्पोर बन रहे थे, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे थे, और जबकि ओवरी के अंदर हम बात करें तो ओवरी के अंदर हमारे सामने MMC प्रेजेंट थी ओवेरियन कैविटी के अंदर,
और एमएमसी आगे क्या कर रही थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे मेल में हो रहा था वहीं पे यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और जिसके रिजल्ट से हमारे पास टोटल कितने 4 मेगा स्पोर बनते हैं जिसमें 3 डिस्ट्रॉय हो जाता है और 1 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एग एपरेटिस में कौन प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 2 सिनर्गिड सेल्स और फिलिफॉर्म एपरेटिस भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हमने अभी तक कर चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है और किस तरीके से हो रहा है? देखो पॉलिनेशन जो है, पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन को हम करेंगे एक प्रोसेस है, पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, एक ट्रांसफर की, और ट्रांसफर किसका होना है, पोलिन ग्रेन्स का होना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है, राइट। तो पॉलिनेशन की ये तो की डेफिनेशन। अब होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके पास पॉलिनेशन करने के लिए अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स तो रहते हैं जिनको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था। एक तो हमारे पास ओवरऑल हम बोलते हैं कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और एक आप लोगों ने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड लेवल पे। तो ओवरऑल हम टाइप की बात करें स्पेसिफिक, तो हमारे पास पोलिनेशन के टाइप रहते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, देखो पहला जो टाइप है वो रहता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है, जिसको आप प्योर सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हो। दूसरा जो रहता है वो होता है जियोटोनोगैमी। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास पोलिनेशन आता है वो रहता है जीनोगैमी। ठीक है, वो कौन सा रहता है, जीनोगैमी। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, जीनोगैमी तो यहाँ पे जो ऑटोगैमी है वो बेसिकली आपका एज ए सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, और जो जीनोगैमी है वो आपका प्योर क्रॉस पोलिनेशन है, पोलिनेशन है। ठीक है, लेकिन ये जियोटेनोगैमी का मतलब क्या है, ये चीजें हम एज ए डायग्राम देखेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। और वो डायग्राम कौन सा है, तो इस तरीके से हमारे सामने आते हैं टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स की अगर बात करें जो पहला आ रहा है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो आपका फर्स्ट दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सेल्फ। ठीक है, यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक ही यानी कि फ्लावर है, और यानी कि सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। ठीक है, इसके अंदर एक ही फ्लावर के जो पोलेंस हैं वो कहाँ आगे गिर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से यहीं आके यहीं पे गिर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो कि ट्रू अगर हम देखें तो ये, लेकिन जियोटेनोगैमी भी एक तरीके का कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन तो अगर देखो कि जेनेटिकली तो वो आपको क्या लग रहा है, सेल्फ लग रहा है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो आपको क्रॉस लगेगा। कैसे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में विद इन अ फ्लावर हम पढ़ते हैं, राइट, लेकिन जियोटेनोगैमी में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट तो क्या आएंगे, डिफरेंट तो फ्लावर है बट जो प्लांट यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर क्या हो गया डिफरेंट, लेकिन प्लांट क्या है, सेम। तो ये एक ही प्लांट का फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड फ्लावर है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है,
अगर हम देखें तो एक ही प्लांट है, सेम प्लांट है ये, और इसी सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का, यानी कि इस फ्लावर से जो ट्रांसफर हो गए, इस फ्लावर पे जा रहे हैं कौन, पोलन ग्रीन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस तरीके का जो हमारे सामने रहता है, तो बहुत क्लियरली आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये दोनों ही हम बेसिकली किस में रखते हैं, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर आते हैं। लेकिन जो ये जियोटेनोगेमी है ना, इसके अंदर अगर आप जेनेटिकली देखोगे तो एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट है, ठीक है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्रॉस पॉलिनेशन की भी फीलिंग जनरेट कराता है। क्रॉस पॉलिनेशन तो बच्चों बहुत ही क्लियर है, कैसे क्रॉस पॉलिनेशन में तो टू डिफरेंट क्या होंगे, प्लांट भी होंगे एंड फ्लावर्स भी होंगे, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन, इस ये एक अलग प्लांट है और ये वाला एक अलग प्लांट है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ के फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, वो भी दूसरे प्लांट के, लेकिन स्पीसीज यहाँ पे क्या रहेगी, सेम स्पीसीज होगी, सेम स्पीसीज, ठीक है, यानी कि स्पीसीज यहाँ पे क्या रहती है, सेम स्पीसीज रहेगी, क्लियर। अब एक तरह का और पॉलिनेशन रहता है, वो क्या है, वो होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से एक फ्लावर के एंथर पिक करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं आर्टिफिशियली, बाय मैन्युअली ये वर्क हो रहा है, तो ये आपका आर्टिफिशियली वर्क रहता है, जहाँ पे मेंडल ने जो अपना सारा एक्सपेरिमेंट था वो आर्टिफिशियली पॉलिनेशन के बेसिस पे ही किया था, जो हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। अभी तो हम फिलहाल तीनों टाइप के क्या देख रहे हैं, पॉलिनेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉलिनेशन आता है, फर्स्ट जो हमारे सामने पॉलिनेशन है वो कौन सा है, वो है ऑटोगेमी, ठीक है। तो ऑटोगेमी पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो सेकंड नेम है वो क्या रहता है, आपको क्लियरली पता ही है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज और क्या क्या आएगी हमारे सामने कि इसकी डेफिनेशन की बात करें ऑटोगेमी के अंदर, कि इसके अंदर जो पोलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि इसमें भी क्या होंगे, पोलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही फ्लावर पे हो रहा है और प्लांट सेम रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, सेम फ्लावर की बात चल रही है। तो इस तरीके के पॉलिनेशन को आप ऑटोगेमी या क्या मान के चलते हो, सेल्फ पॉलिनेशन के फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। उसके बाद जो सेकंड हमारे सामने आता है, सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन बच्चों, वो क्या था, उसको हम नाम से जानते हैं जियोटेनोगेमी, ठीक है। इसको लेके बड़े ही कंफ्यूजन होता है बच्चों में, क्या क्या कन्फ्यूज़न है, हम जियोटेनोगेमी की बात करें तो देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है किसके अंदर, पोलन ग्रेन्स का, लेकिन कहाँ से कहाँ, पहली चीज़ तो ये क्लियर करो, बिटवीन दी टू फ्लावर है, ये सिंपल सी बात है, ट्रांसफ़र है यहाँ पे भी किसका, पोलन का, कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, ये तो कॉमन चीज है, ठीक, कहां से, बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो फ्लावर है जबकि यहाँ पे सेम फ्लावर था, ठीक है, विद इन वन फ्लावर, यहाँ पे टू फ्लावर,
प्लांट यहाँ पे क्या रहेगा, सेम प्लांट रहता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जियोटेनोगैमी बोलते हैं। तो अगर इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है वो रहता है बच्चों जेनेटिकली। जेनेटिकली मतलब एक ही प्लांट चल रहा है, तो जेनेटिकली पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपको ये पॉलिनेशन कैसा लगेगा, सेल्फ पॉलिनेशन लगेगा, प्योरली आपको कैसा लगेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम प्लांट है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो बनता है क्योंकि यहाँ पे पॉलिन जो ग्रीन है एक ही प्लांट से एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है हमारा फंक्शनली, फंक्शनली या फिर आप इसको बोलते हो इकोलॉजिकली। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, स्टार भी यहाँ पे बच्चों मैं लगा रही हूँ, रीजन इसका स्टार लगाने का है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोटेनोगैमी आपके अगर बोर्ड में आता है तो भी अच्छा स्कोर करने को मिलता है कि जियोटेनोगैमी जो है वो आप किस में रखते हो, यानी कि एक थ्योरी बेस्ड या फिर सेल्फ एनालिसिस बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जियोटेनोगैमी को आप सेल्फ पॉलिनेशन में कंसिडर करते हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में, तो आपको वहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि प्लांट यहाँ पे सेम है। तो जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन लगेगा, लेकिन फंक्शनली या इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इसको किस में कंसिडर करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन में कंसिडर करोगे, क्योंकि इकोलॉजिकली दो अलग अलग फ्लावर्स पे जा रहे हैं, यानी कि दैट मीन यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, एक पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो एयर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, एज ए क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर किया जाता है। तो जियोटेनोगैमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बचपन से लेके आपने लगभग सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन ही आप लोगों ने पढ़ा होता है, तो यहाँ पे जियोटेनोगैमी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉलिनेशन आता है वो कौन सा है, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपका वही जीनोगैमी, जीनोगैमी। और जीनोगैमी मतलब प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको एलोगैमी भी बोला जाता है, यानी कई बार ऑप्शन में एलोगैमी वर्ड लिखा आता है। तो जीनोगैमी या एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन एक ही बात है। दैट मीन यहाँ की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, सेम ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे भी, कौन पोलन ग्रेन कहाँ से, कहाँ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ हो रहा है, बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर है एंड टू डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट भी है, बट ऑफ द सेम स्पीसीज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम स्पीसीज यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो तीन चीजें आ गई यहाँ पे, कौन कौन सी, दो डिफरेंट फ्लावर है, दो डिफरेंट प्लांट है, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम किस में रखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जो जीनोगैमी पॉलिनेशन है वो बेसिकली हम रियल पॉलिनेशन तो इसी को ही मानते हैं, या फिर ट्रू पॉलिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आएगी। तो जेनेटिकली इकोलॉजिकली दोनों ही चीज़ों से देखोगे क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दो डिफरेंट जेनेटिकल स्पीसीज भले ही सेम हो लेकिन जेनेटिकली ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल पॉलिनेशन करने के लिए हमें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट्स के अंदर कुछ अडेप्टेशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, अडेप्टेशन होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो इन अडेप्टेशंस को पढ़ने से पहले आपको मोनोशियस और डायोशियस प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा नोट डाल के आपको चीज़ बता रही हूँ, देखो मोनोशियस प्लांट कौन सा होता है, मोनोशियस ओवरऑल ये तो आपने क्लास 11th का एक बेसिक सी
चीज़ होती है मोनोशियस प्लांट। देखो मोनोशियस प्लांट वो होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको क्लियर किया था कि अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट है, यानी कि एक ही प्लांट पे है बट फ्लावर यहाँ पे क्या होंगे यूनिसेक्सुअल है, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया जाता है मोनोशियस प्लांट। ठीक है, अब क्या है दो अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है तो हम इसको हम क्या बोलते हैं डायोशियस बोला जाता है। यानी कि अगर पहले मोनोशियस की बात करें इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट, ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा फीमेल एंड मेल दोनों जो फ्लावर है आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट फ्लावर यहाँ पे क्या रहेंगे यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर की जाएगी तो यहाँ पे प्योरली आपको पता है कि तो यहाँ पे कौन सा अगर देखोगे तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जियोटेलोगैमी, ये इम्पॉर्टेंट है। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे कैस्टर पूछा गया था, कुकुट बिट्स पूछा गया है, कोकोनट एंड मेज। मैं आपको सिर्फ वही एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर मोनोशियस प्लांट है तो उनमें पॉलिनेशन कैसा होगा, तो सिंप्लीफाई आप लिख सकते हो इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जियोटेनो गेमी, दैट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे ऑटोगेमी तो नहीं होगा क्योंकि पहले ही चीज क्लियर होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल दोनों एक फ्लावर पे तो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि ना तो स्टेमन प्रेजेंट ना ही पिस्टल प्रेजेंट, तो यहाँ पे ऑटोगेमी तो नहीं होगा लेकिन जियोटेनोगेमी हो सकता है। फिर आता है हमारा कौन सा प्लांट, सेकेंड जो हमारे सामने प्लांट आता है वो रहता है डायोशियस, डायोशियस प्लांट्स। अब ये डायोशियस प्लांट्स क्या होते हैं अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो डायोशियस प्लांट वो होते हैं जिसके अंदर फीमेल एंड मेल जो फ्लावर होते हैं आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पपाया, ठीक है, और डेट पाम, ये दोनों एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं, डेट पाम और पपाया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायोशियस प्लांट है, डायोशियस प्लांट के अंदर क्या है यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग पॉइंट अलग अलग पे प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम बात करें ये एक प्लांट है, ठीक है, और सेम स्पीसीज का ये प्लांट है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्लावर प्रेजेंट है ये अगर हम देखें ये एक फ्लावर है तो यहाँ पे जो फ्लावर है उसके अंदर तो क्या देखने को मिल रही है ओवरी देखने को मिल रही है इस तरीके से एक कार्पेल, तो ये फ्लावर कौन सा हो गया फीमेल, ठीक है। और यहाँ जो हमें फ्लावर देखने को मिल रहा है इस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है एंथर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे सामने स्टेमन, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहेगा फीमेल नहीं मेल फ्लावर होगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन में क्या होगा इट प्रिवेंट बोथ, ऑटोगेमी भी नहीं हो सकता एंड
जियोटेनोगेमी भी नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जियोटेनोगेमी और ऑटोगेमी दोनों ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक ही पोलिनेशन बचा, वो उड़ के यहाँ मतलब एंथर से उड़ के यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जो पोलिनेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, या जीनोगेमी परफॉर्म किया जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा, जीनोगेमी। ठीक है, तो ये था मोनोशियस और डायोशियस प्लांट्स की बात। ठीक है, अब हम आते हैं उन पर्टिकुलर अडेप्टेशंस पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अडेप्टेशंस आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अडेप्टेशंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड में भी आए हुए हैं, तो हम पहले देखते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपके अडेप्टेशन पे, राइट द अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन भी कर रखे हैं। तो ये अडेप्टेशन कौन कौन से हो, यानी कि वो पर्टिकुलर कौन कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी कंडीशन से होता है, वो अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास अडेप्टेशन का पॉइंट आता है वो होता है मोनो क्लीनिक। वर्ड्स आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, मोनोक्लीनिक का मतलब क्या है कि फ्लावर क्या होने चाहिए, बाईसेक्सुअल होने चाहिए, बाईसेक्सुअलिटी। बाईसेक्सुअलिटी का मतलब कि इट मींस जो फ्लावर हैं आर बाईसेक्सुअल होने चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हर्मेफ्रोडाइट। एग्जाम्पल लाइक पी प्लांट, यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों हमें देखने को मिल रही है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट की। एग्जाम्पल में डायग्राम देखते हैं, तो इस तरीके से आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको क्लियरली अपीयर हो रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी में इनफैक्ट एग तक शो किए गए हैं। तो ये जो पोर्शन है वो टोटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल पार्ट को। ठीक है, और इस फीमेल पार्ट को आप किस नाम से जानते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोल सकते हैं। तो अगर वो देखें तो पिस्टिल के अंदर आप पूरे फ्लावर के अंदर आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। प्लस अगर यहाँ अगर आप दूसरे डायग्राम में देखोगे तो यहाँ इस पोर्शन के अंदर आप क्लियरली अपीयर करो, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, एंथर भी है और फिलामेंट्स भी है। तो ये जो पोर्शन है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, मेल पार्ट को, और मेल पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, स्टैमन, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो एक ही फ्लावर के अंदर आपको स्टेमन्स भी दिख रहे हैं और पिस्टल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ये जो फ्लावर है वो बाईसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ऐसा फ्लावर बाईसेक्सुअल जिसके अंदर मेल पोर्शन भी प्रेजेंट है और फीमेल पोर्शन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन करना कितना आसान है, आप देखो कैसे कि यहाँ से पोलिन ग्रेन उड़ के डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पोलिन ग्रेन आए, यहाँ से पोलिन ग्रेन आए और वो कहाँ पहुँच गए, स्टिग्मा पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन सा कंडीशंस देखने को मिलेगी, ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ही तरीके का जो रहता है वो है कौन सा कंडीशन, क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट देखने को मिल रहा है पॉलिनेशन में, वो है सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहली कंडीशन क्लियर होगी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए या तो बाइसेक्सुअलिटी लिख सकते हो कि फ्लावर में क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, या फिर वो मोनोक्लीनी होना चाहिए। राइट, अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन है होमोगेमी। होमोगेमी, होमोगेमी से क्या मतलब होता है, इस कंडीशन में देखें
तो होमोगेमी के अंदर जब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर हो, तभी तो पॉसिबिलिटी होगी सेल्फ पॉलिनेशन की, अगर अलग अलग टाइम पे, यानी कि इसका मतलब स्टैमन और जो पिस्टिल है इन दोनों का मैच्योरेशन पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो होमोगेमी के अंदर हम लिख सकते हैं क्या कि when both the sex organ of a flower mature, that is a very important, mature at the same point, यानी कि एक ही टाइम पे वो क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमोगैमी बोला जाता है, दैट इंक्रीज द चांस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंडीशंस पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, पहली तो कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होना चाहिए, दूसरा पॉइंट दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी प्लांट आ जाएगा। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन, वो क्या है, थर्ड कंडीशन है क्लिस्टियोगेमी। ये आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, क्लिस्टियोगेमी को एक्सप्लेन करो। देखो क्लिस्टियोगेमी क्या है, देखो फ्लावर्स जो होते हैं ना बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टियोगेमस फ्लावर, एक होते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर। पहले तो हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको क्लिस्टियोगेमी इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो फ्लावर है वो दो तरीके के प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, ठीक है, Never open throughout their life, यानी कि आप बोल सकते हो ये टोटली कैसे होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, हमेशा बंद रहने वाले फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम किस नाम से जानते हैं, क्लिस्टियोगेमी। किस नाम से जानते हैं, क्लिस्टियोगेमी फ्लावर। सीधी सी बात, जो हमेशा बंद रहते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, तो वो कौन से कहलाते हैं, क्लिस्टियोगेमी। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरा, जो फर्स्ट टाइप तो ये था, सेकंड टाइप अगर हम फ्लावर देखें तो वो होते हैं ऐसे फ्लावर, ठीक है, जो नॉर्मली आपको दिखते भी हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर जो कि ओपन होते हैं, ठीक है, यानी कि ओपन फ्लावर, ओपन इन द सेंस कि इनके अंदर आपको क्लियरली यानी कि एक फ्लोरल ओपन दिखेगा, पेटल्स अलग दिखेंगे, सेपल्स अलग दिखेंगे, कार्पेल अलग दिख रहा होगा, स्टैमन अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो क्लोज फ्लावर होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे पेटल्स आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैमन और जो कार्पेल है वो उन पेटल्स के अंदर ही छुपा रह जाता है। ठीक है, तो आप उनको बाहर से अलग से नहीं देख सकते, जैसे कि ये फ्लावर खुला हुआ है, सारे पेटल्स अगर आप ध्यान से देखो तो सारे अलग अलग हो रखे हैं, इस तरीके से सारे अलग अलग हैं, तो ये जो फ्लावर है इस फ्लावर को आप कौन सा बोलते हो, ओपन फ्लावर बोलते हो, और जो ओपन फ्लावर होता है उसको आप किस नाम से जानते हो, ओपन फ्लावर को आप बोलते हो कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो दोनों तरह के फ्लावर समझ में आ गए, क्लिस्टियोगेमस और कैस्मोगेमस। अब क्लिस्टियोगेमस के एग्जांपल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जांपल में जो एक एग्जांपल रहता है वो रहता है कोमेलिना विवलो, वियोलो को हम जानते हैं कॉमन पेंसी। ठीक है, ऑक्सेलिक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड में, ऑक्सेलिक्स में
ऑक्सालिस में जो फ्लावर रहता है वो कैसा होता है, क्लिस्टियोगैमस होता है, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी ने कॉमनलीना का जो एग्जांपल है वो डायग्राम दिखा रखा है क्लिस्टियोगैमस का, अभी हम देखेंगे, क्योंकि कॉमनलिया जो है ना उसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, ओपन भी और क्लोज्ड भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप तो था जो क्लोज रहता है, दूसरा होता है कैज्मो, ठीक है। क्लिस्टियोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो जो सारे की सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर ऑटोगैमस ही रहेगी, यानी कि ऑटोगैमी प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो क्लिस्टियोगैमी होता है ना, डायग्राम अभी हम देखेंगे, क्लिस्टियोगैमस जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स नहीं भी होंगे तो भी इनमें एश्योर करेगा वो किनको, सीड को, ठीक है। तो इन वाइब्रली ये ऑटोगैमस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो क्लिस्टियोगैमस जो है फ्लावर आर इन वेरिएबली ऑटोगैमस है, ठीक है। तो ऑटोगैमस ही इनके अंदर होगा। डायग्राम देखें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैज्मो और क्लिस्टिया का, वो कुछ इस तरीके से है। तो ये डायग्राम है जो आपके दिखा रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो फ्लावर है ये नॉर्मल फ्लावर है जो कि ए पॉइंट पे दिखा रखा है। तो ये कौन से फ्लावर है, नॉर्मल फ्लावर है। नॉर्मल फ्लावर का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्लावर जो हमेशा खुले हुए रहते हैं, दैट मीन ये कौन से फ्लावर है, क्लिस्टियोगैमस फ्लावर है, ठीक है। जबकि बी पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्पेसिफिक, तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्लावर आपको देखने को मिल रहे हैं ये अगर आप देखोगे तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बंद है, यानी कि चारों तरफ से ये बंद है, तो अंदर के अंदर ही स्टैमन और स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट पे फ्लावर आपको दिखाए हैं वो कौन से होते हैं, अंडरग्राउंड है पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कौन से फ्लावर है, क्लिस्टियोगैमस फ्लावर है। क्लिस्टियोगैमस फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर तो क्या रहते हैं, ओपन ही होते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर होते हैं ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, बंधे हुए फ्लावर होते हैं। और ये जो डायग्राम दिखा रखा है वो किसका दिखा रखा है, कॉमनेलिया प्लांट का। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम मेंशन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मैंने यहाँ पे आपको एज ए क्वेश्चन से ये डायग्राम लिया है जिसमें ए और बी पॉइंट मेंशन किया हुआ था, जिसमें आपको फिल करना था कि ए कैज्मो है बी क्लिस्टियो है। सही आंसर तो ये आप दोनों में ऑप्शन अलग मिल गए हो सकता है, ए को क्लिस्टियो बी को कैज्मो, दोनों को ही क्लिस्टियो दोनों को ही कैज्मो, और एक में सही आंसर होगा फर्स्ट कैज्मो और सेकंड जो होता है वो क्लिस्टियो होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ओवरऑल अगर क्लिस्टियोगैमस कंडीशन है, क्लोज्ड है फ्लावर, तो वहाँ पे एक ही तरीके का पॉलिनेशन हुआ, कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन ही तो होगा, और तो कोई पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि और तो कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन अंदर आएगा कैसे, क्योंकि पेटल्स तो एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो कंडीशन बचती है, तीन कंडीशन हो चुकी है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन तो कौन सी थी, मोनोक्लिनी यानी कि बायसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होमोगैमी, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे क्या होना चाहिए, सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। और जो थर्ड कंडीशन हमारे सामने आई थी कि जो फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए, क्लिस्टियोगैमी अगर फ्लावर होंगे तो इस तरह की जो एडेप्टेशन कोई फ्लावर लेके बैठा है तो उसके अंदर जो पॉलिनेशन कौन सा होगा वो
क्लियरली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो मेनली तो ये हमारे पास तीन कंडीशन रहती है, लेकिन फोर्थ कंडीशन भी मैं आपको बता रही हूँ, वो होता है बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, अब ये बर्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, बर्ड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ये जो पॉलिनेशन होता है वो बर्ड स्टेज पे होता है। बर्ड का मतलब होता है बिफोर ओपनिंग द फ्लावर। और ऐसा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि बर्ड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन अकर्स इन बर्ड स्टेज, ठीक है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा वीट एंड राइस, ठीक है, वीट और राइस यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। यानी कि बर्ड कंडीशन में ही क्या बन गया, पॉलिनेशन हो चुका है ओपनिंग होने से पहले। तो ये तो रेयर कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे भी जो क्या मिलेगा हमें, सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है बेसिकली वो हमें कौन कौन से अडेप्टेशंस में मिलेगी। एक तो थी कौन से, मोनो क्लिनी, ठीक है, अडेप्टेशन की बात चल रही थी, अडेप्टेशन, ठीक है। तो पहली अडेप्टेशन मोनोक्लिनी, दूसरा अडेप्टेशन क्या थी, होमोगेमी, तीसरी अडेप्टेशन क्या थी, क्लिस्टियोगेमी, और फोर्थ है अगर बर्ड पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चार पर्टिकुलर अडेप्टेशन है जिनके अंदर श्योरली क्या होगा, पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यानी कि इन चारों कंडीशंस के अंदर हमें पॉलिनेशन कैसा देखने को मिलेगा, ऑटोगेमी देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन जो है वो बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारी कंडीशंस को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, राइट, द अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज पूछा जा सकता है, यानी कि कॉन्ट्री जो वेंसेस जो हैं, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या हो सकती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की जो कंडीशन होगी वो और भी खास होगी, और भी टिपिकल होगी, उनमें और भी स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी, जैसे कि डाइक्लिनी क्या है, डाइकोगेमी क्या है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, कैज्मोगेमस, हाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइली, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सारे टर्म्स को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन की अडेप्टेशन बहुत छोटी थी, चार थी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक ट्रू पॉलिनेशन होता है उसके अंदर चीज़ें बहुत स्पेसिफिक होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप मान के चलिए बोर्ड में सेल्फ से ज़्यादा क्रॉस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सेल्फ पे नहीं आता, लेकिन क्रॉस पे तो डेफिनेटली आता है, चाहे वो नीट में पूछा जाए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो 100% इनकी टर्म्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो हम जो क्रॉस पॉलिनेशन है उनके अडेप्टेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी हम लोगों ने पॉलिनेशन जो है स्टार्ट कर रखा था, उसका टाइप देखा है और उनके अंदर पर्टिकुलर अडेप्टेशंस हम लोगों ने चेक किए हैं। ठीक है, तो इन अडेप्टेशन के अंदर अब जो नेक्स्ट अडेप्टेशन रहेगी वो हमारा, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो होगा कि अडेप्टेशंस देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, यानी कि अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो अडेप्टेशंस रहेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जिनके अंदर जो टर्म्स रहेंगी वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, किस तरीके से वो हेल्प करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।